क्यों मिसाल है युवाओं के लिए कार्तिक की कहानी। हर शख्स की जुबान पर इस क्रिकेटर का नाम क्यों। ऐसा क्या हुआ था कार्तिक के साथ जो हीरो से जीरो, जीरो से फिर हीरो बन गए। पहली पत्नी ने धोखा दिया और फिर ऐसा क्या हुआ। वो तो मरने जा रहे थे मगर दूसरी पत्नी ने बचा लिया। कहानी फिल्मी लगती है मगर है बिल्कुल सच्ची। वो सच्ची कहानी जो आज हर शख्स की जुबान पर है। ये वो कहानी है जो हर शख्स की जुबान पर है। वो कहानी क्या है जो तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रही है। कितनी सच है कितनी फसाना है उस कहानी में, चलिए आपको ये जानना चाहिए। क्या बीती टीम इंडिया के उस नौजवान के साथ जो पूरे देश में आज चर्चा हो रही है। इसकी शुरुआत होती है 30 साल पहले। वो लड़का जिसका सपना था टीम इंडिया के लिए एक दिन खेलने का, वो लड़का था दिनेश कार्तिक और उस छोटी सी लड़की का नाम था निकिता बंजारा। देखते ही देखते दोनों बड़े हुए, दोस्ती प्यार में तब्दील हुई और फिर दोनों ने शादी कर ली, साथ जीने मरने की कस्में खाई। क्रिकेट के मैदान में कार्तिक का कैरियर बढ़ रहा था और निकिता की जिंदगी में कार्तिक का प्यार परवान चढ़ रहा था। दोनों खुश थे, साथ थे, हम सफर थे, मगर फिर इस क्रिकेटर की जिंदगी में एक तूफान आया। ऐसा तूफान जिसने इस क्रिकेटर की पूरी जिंदगी बदल दी। एक खूबसूरत जिंदगी जहन्नुम में तब्दील हो गई क्योंकि रिश्ते बिखरने वाले थे। टीम इंडिया का ये शानदार खिलाड़ी हमेशा के लिए टूटने वाला था, अपनी जिंदगी की डोर काटने वाला था, मगर नीति को कुछ और ही मंजूर था। चलिए अब जान लीजिए मिसाल कायम करने वाली कार्तिक की सच्ची घटना क्या है। निकिता और दिनेश 5 साल तक एक दूसरे के साथ खुश थे, फिर देखते ही देखते तबाही की शुरुआत हो जाती है। इसकी वजह थी एक और साथी खिलाड़ी मुरली विजय। मुरली विजय उन दोनों की शादीशुदा जिंदगी में एंट्री करते हैं। मुरली विजय और दिनेश कार्तिक साथी क्रिकेटर होने के साथ दोस्त भी थे। इस बीच मुरली और निकिता करीब आए, मुलाकातें हुई और दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। इसकी फरक कार्तिक को भी ना लगी। दोनों की मुलाकातें होने लगी, मुरली और निकिता की नजदीकियां उनकी शादीशुदा जिंदगी में दरार की वजह बनने जा रही थी और फिर वो होने वाला था। इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। हुआ ऐसा कि एक दिन दिनेश कार्तिक मुरली विजय को अपने साथ घर ले गए। सोचा था साथ खाना खाएंगे, मजे करेंगे, मसला दोस्ती का जो था। मगर मुरली विजय के साथ ऐसी दुश्मनी की कहानी दिनेश कार्तिक की लिखने वाली थी जिससे कोई पढ़ना पसंद नहीं करेगा, जो सुनना भी नहीं चाहेगा। क्योंकि दिनेश को तब पता चल गया था कि निकिता यानी कि उनकी पत्नी अब उनकी नहीं रही। दिनेश कार्तिक ने हमेशा के लिए निकिता से खुद को अलग करने का फैसला कर लिया। 2012 में दिनेश कार्तिक और निकिता का तलाक हो गया। पहली पत्नी गर्भवती थी मगर बच्चा किसका था ये जानकर सबके होश फाकता हो गए। दावा किया जाता है कि मुरली से शादी के कुछ ही वक्त के बाद निकिता का बच्चा होता है और कहने वाले कहते हैं कि ये बच्चा किसी और का नहीं बल्कि मुरली विजय का था। ये जानकर दिनेश कार्तिक पूरी तरह से टूट गए। मगर ये सच है या फिर नहीं, कभी दिनेश कार्तिक ने इस दावे को लेकर कुछ नहीं बोला। इसके बाद माना जाता है कि दिनेश पूरी तरह से टूट गए थे और उनका कैरियर पूरी तरह से फ्लॉप होने की कगार पर था। उधर मुरली का कैरियर उफान पर पहुंच गया था लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी क्योंकि कार्तिक के जीवन में एक लड़की की एंट्री हुई और वो लड़की थी दीपिका पल्लिकल। दोनों मिले, प्यार हुआ, शादी हुई और फिर दीपिका खुद बताती है कि कार्तिक की कहानी क्या थी। उन्होंने बताया, हम पहली बार 5 साल पहले मैराथन में मिले थे, उसके बाद हम जिम में मिले और जहाँ तक मुझे याद है तो मैं उन्हें बाय किए बिना प्रैक्टिस के लिए निकल गई थी। फिर एक सवाल आया कि दिनेश के साथ आपकी आगे बात कैसे बढ़ी। दीपिका का जवाब आता है, हम जिम में एक दूसरे को जानने लगे थे लेकिन हमारे बीच इससे ज्यादा कुछ नहीं था। ये फरवरी 2013 की बात है। उस वक्त मैंने कनाडा में एक टूर्नामेंट जीता था जबकि दिनेश इंडिया के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे थे। मैं एक सप्ताह के लिए लीड्स यानी इंग्लैंड में ट्रेनिंग कर रही थी और वो मेरे लिए वहाँ पर भी आ गए। तब मुझे महसूस होने लगा था, हर कोई ऐसे नहीं करता है, वो मुझे अकेडमी में ट्रेनिंग करते हुए देखा करते थे, यहाँ तक कि स्वैश में भी हम हाथ आजमाने लगे थे। मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा बेहतर खेलते थे। वो एक बेहतर इंसान है। भारतीय टीम के चैंपियन ट्रॉफी जीतने के बाद दिनेश कार्तिक ने दीपिका को प्रपोज किया था। इसके बाद दोनों ने
दोस्तों और रिश्तेदारों की मौजूदगी में सगाई की, फिर इसके बाद शादी हुई। 28 अक्टूबर 2021 को दिनेश और दीपिका के दो जुड़वा बच्चे हुए। ये वही तस्वीर है जो वायरल हो रही है, खूब वायरल हो रही है। यानी हीरो से जीरो और जीरो से हीरो बने दिनेश कार्तिक की कहानी अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि आज वो आईपीएल 2022 के सबसे हिट और सबसे फिट खिलाड़ी हैं। इतना ही नहीं, कई करोड़ों की संपत्ति है। यानी दिनेश आज समाज की नजर में हीरो हैं, क्योंकि वो टूटकर भी बिखरे नहीं, खड़े हुए, हालात से लड़े और जीते। यही तो है जिंदगी की T20 की गेम, जो कब, कहां, कैसे पूरी जिंदगी के गेम को बदल देती है, ये कोई नहीं जानता। तभी तो दिनेश आज हीरो बन गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।